Hello dear students and also English learners, so welcome to this class and this is Ankit from English 1 to 6 with Ankit, and today we are going to learn Unit 51, and Unit 51 is about work, working, go, going and do, doing. Okay, will, can, must, etc. plus infinitive. Okay, ऐसे कि आप देख रहे हैं ये जितने भी चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं इनका हमें रिवीजन करवाना है. ओके, विल, शैल, माइट, मे, कैन, कुड, मस्ट, शुड एंड वुड. ओके, पहले हम इनकी क्लासेस पढ़ चुके हैं. आपने अगर इनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको एसेंशियल ग्रामर एंड यूज का सेक्शन मिलेगा, तो वहां पर ये सारी आप वीडियो देख सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं ऐसी क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, will, will and shall. Anna will be here soon. Anna जल्द ही यहाँ पर होगी. Okay. Shall I open the window? अब shall में shall I open the window? क्या मैं दरवाजा खोलूँगा? Shall. Okay. तो shall का use हम I और we के साथ करते हैं और they, he, she, it इन सब के साथ हम shall का उपयोग shall का यूज नहीं करते हैं. आई और वी के साथ हम सिर्फ shall का यूज करते हैं. ओके, माइट एंड मे, तो माइट और मे, तो विल और shall यूनिट 27 एंड 28 में हमने सीखा है. ओके, अब देखते हैं यूनिट 29. यूनिट 29 इज अबाउट मे एंड माइट. माइट और मे, I might phone you later. और might में किसी चीज की संभावना होती कि ऐसा हो सकता है, but not sure, संभावना. ओके, यहाँ पे sure नहीं है, संभावना है. I might phone you later. शायद मैं आपको बाद में कॉल करूं. May I sit here? क्या मैं बैठ सकता हूँ? May I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओके, तो मे और माइट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है और दोनों का सेम मीनिंग होता है, तो हम मे और माइट दोनों ही यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. ओके, दिस इज यूनिट 29. एंड कैन एंड कुड, अब बारी आती कैन एंड कुड. कैन और कुड हमने सीखा है यूनिट 30 में. कैन एंड कुड. ओके, तो कैन, आई कांट मीट यू, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया, आई कांट मीट यू टुमारो, कल मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ. आई कांट मीट यू टुमारो. ओके, कुड, कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज. यहाँ पर हम कुड का यूज इस जगह पर करते हैं, कुड का यूज ऐसे सिचुएशन में कर रहे हैं. वैसे हम पास्ट में भी कुड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम विनम्रता से कैन की जगह इसको यूज कर रहे हैं. कैन हम यूज करते हैं तब हम एबिलिटी की बात करते हैं कोई काम, लेकिन कुड है यहाँ पे पोलाइटली विनम्रता से कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं. तो कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, क्या कृपया आप नमक पास कर सकते हैं? तो विनम्रता से हम नमक मांग रहे हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन में हम कुड का यूज करते हैं. ओके, तो हम देखेंगे यूनिट 21. मस्ट और शुड में बस इतना ही फर्क होता है, बस फर्क है इतना. मस्ट एंड शुड. ओके, मस्ट क्या होता है कि कहीं पे हम ऐसी सिचुएशन में जहां पे जरूर करना है, जोर दे रहे हैं किसी चीज पे, जोर. ओके, प्रेशर दे रहे हैं कि जरूर करना है कोई काम, मुझे जरूर यहां जाना चाहिए, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, जरूर तुम्हें जरूर लिखना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए. यहाँ पे जरूर का यूज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम मस्ट का यूज करते हैं. और खाली ऐसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट. ओके, तो आगे देखते हैं. तो हम ये यूनिट 31 देखें, दिस इज 31 में हमने देखा है मस्ट. ओके, तो हम देखते हैं शुड
शुड देख लिया हमने, तो अब लास्ट में क्या वुड, वुड तो वुड का भी बहुत जगह भी यूज होता है। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल है, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी पसंद करेंगे, क्या आप थोड़ी कॉफी पसंद करेंगे। दिस इज यूनिट 34। तो आपको इनको डिटेल में अगर सीखना है, डिटेल में समझना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और इन सारे यूनिट्स की वीडियो है वो देख लीजिए। ओके चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आगे की क्लास। ओके ओके पार्ट बी में हम देखेंगे डू डज एंड डिड। ओके डू डज हमने यूनिट 6 और 7 में पढ़ा है, और उसके बाद में डिड हमने यूनिट 12 में पढ़ा है। ओके तो देखते हैं, डू यू वर्क, डू एंड डज, डू एंड डज इज प्रेजेंट सिंपल एंड डिड पास्ट सिंपल। ओके डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं या करते हो। दे डोंट वर्क वेरी हार्ड, वे ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। हेलन डजंट नो मैनी पीपल, हेलन ज्यादा लोगों को नहीं जानती है या बहुत सारे लोगों को नहीं जानती है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका क्या प्राइस होगा, इसका क्या रेट होगा, ये क्या कॉस्ट पड़ेगा, इसका ये क्या कॉस्ट पड़ता है। हाउ मच डज इट, क्या कॉस्ट पड़ता है। ओके और व्हाट, अब डिड की बात, व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव, ट्रेन किस समय चली या किस समय ट्रेन छूटी। वी डिडंट स्लीप वेल, हम अच्छे से नहीं सोए थे। ओके ये था पार्ट बी, अब हम देखते हैं पार्ट सी। ओके ओके चलो देखते हैं आई क्लास। टू वर्क, टू गो, टू बी एटसेट्रा। ओके टू प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके चलो देखते हैं, आई एम गोइंग टू आप कोई काम करने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू प्ले टेनिस टुमारो, कल मैं टेनिस खेलने जा रहा हूं। यूनिट 26, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हैं। आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ेगा, या आई हैव टू गो नाउ, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ेगा। ओके everybody has to eat, सबको खाना पड़ता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। आई विल हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ता है ना, अब मुझे जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू गो आउट, डू यू वॉन्ट टू गो आउट, क्या आप बाहर जाना चाहते हो। They don't want to come with us, वे हमारे साथ नहीं आना चाहते। Okay, unit 52, I would like to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, would you like to go out, क्या आप बाहर जाना चाहोगे या बाहर जाना पसंद करोगे। उसके बाद में आता है यूज्ड टू, वुड लाइक टू, यूनिट 34, एंड यूज्ड टू कोई काम आप कर किया करते, यूज्ड टू। ओके दैट यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, दैट फैक्ट्री में काम किया करता था। ओके चलो चलिए देखते हैं आगे क्लास। वर्किंग गोइंग प्लेइंग एटसेट्रा, एम इज आर प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, कृपया शांत रहें, मैं काम कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं।
Tom isn't working today. Tom आज काम नहीं कर रहा है. What time are you going out? आप किस समय बाहर जा रहे हैं? तो ये हमने पढ़ा है यूनिट 3, 4 and 8, 25. ओके आगे was verb plus ing means past continuous. Past continuous. It was raining so we didn't go out. बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं गए. ओके व्हाट वर यू डूइंग एट 11:30 यस्टरडे. कल आप 11:30 क्या कर रहे थे. ये हमने यूनिट 13 एंड 14 में सीखा. तो ये थी आज की क्लास. आई होप आपको समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी. और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर जो बेसिक इंग्लिश वाली है, जो एसेंशियल ग्रामर इन यूज वाली वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें. इनसे आपकी बेसिक इंग्लिश मजबूत होगी. मजबूत क्या, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. जितना भी पहले से आपका लेवल है डेफिनेटली आपका लेवल इसमें इम्प्रूव होगा. और उसके बाद आप कन्वर्सेशन प्रैक्टिस वाली वीडियो भी देख सकते हैं. दूसरी प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कि कन्वर्सेशन की वीडियो बहुत सारी है जो मैंने फोरन के साथ में कन्वर्सेशन की है. तो आप वीडियो देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि आप इंग्लिश में फॉरनर से बात कैसे करते हैं. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. जय हिंद.